बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर जनपद के आसपास इसमें का कारोबार एक बार फिर जोरों से फल फूल रहा है और इसमें एक तस्कर जमकर चांदी काट रहे हैं। गली मोहल्लों में जहां इसमें की तस्करी खुलेआम हो रही है, वहीं युवाओं को इसमें का नशा खुलेआम करते हुए देखा जा सकता है। इसके बावजूद भी इसमें का कारोबार बंद नहीं हो रहा है। बिजनौर वासियों ने की जिले के SP से बंद कराने की अपील। बिजनौर खबर टीवी इसमें के कारोबार में पीने वालों से अपील करता है कि इसको बंद करें, जिसे हमारे युवा नौजवान सही रहें। क्या नाम है आपका? इशाद अहमद। इशाद अहमद, बिजनौर जिले में सभी जगह इसमें का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए जिले में? ये हमारे कप्तान साहब की जो है इसकी जिम्मेदारी निभाती है जी, और इसे रोकना चाहिए, और इससे बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इससे माहौल खराब हो रहा है। क्या इससे क्या नुकसान है और किस तरीके से मतलब ये बिकती है, क्या करना चाहिए प्रशासन? तो मुझे जानकारी नहीं, मगर इससे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ये है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पता चला कि वो नशे में लग गए जी, बच्चे पता चला कि किसी और काम से जा रहे हैं जी, वो नशे में लग गए। तो इसमें पाबंदी जितनी जल्दी से जल्दी कप्तान साहब ये सरकार लगावे तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपका फहीम? फहीम भाई, जिले में स्मैक बहुत तेजी से बिक रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जिले में ये हमारे जो हम तो अपने मोहल्ले को कह सकते हैं, ये हमारे मोहल्ले में खतियान मोहल्ले में काशीराम कॉलोनी है जी, इसमें बहुत जोर शोर से ये स्मैक और दुनिया भर के नशे यहाँ बिक रहा है। सुखे गिले नशे कितने हैं जी, ये डॉलर की एक बोतल बिक रही छोटी छोटी, ये बहुत बच्चे पी रहा है, इनके माँ बाप के बेहोश से बच्चों का बहुत खराब हो रहा जी। तो क्या होना चाहिए? विनती ये है कि कप्तान साहब इसमें पूरी सख्त कार्रवाई कराए, जो भी इस काम को बेचने वाले हैं इन्हें बिल्कुल बंद करा जाए। क्या नाम है आपका? क्या कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहल्ला मिर्जाबान के। ये जो स्मैक बिक रही है जिले में, इस पर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे भी स्मैक पी रहे हैं, डाइलोशन पी रहे हैं जी, ये अच्छा नहीं है। ये जितना भी नशा हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है जी, इसे बंद कराया जाए। कप्तान साहब के पास ये दरख्वास्त लगाई जाए जी, और कप्तान साहब तक से सख्त पे कार्रवाई करी जाए।